बॉस, अब क्या आप दूध बेचोगे? ये भैंस कहाँ से ले आए? अब मोटू पतलू की ये असली भैंस हमारे पास है और उसके पास साइंटिस्ट वायरस की बनाई हुई नकली रोबोटिक भैंस है। अब वो दिखाएगी अपना कमाल। मैं मुहूर्त नहीं करूंगा। तुम्हारे किसी भी चीज का मुहूर्त करता हो तो मेरी सूरत बिगड़ जाती है। नहीं नहीं चिंगम सर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप मुहूर्त कीजिए ना प्लीज। अरे चिंगम सर, डेहरी के मुहूर्त में क्या मुसीबत हो सकती है? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? चलिए मुहूर्त कीजिए प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो रिबन काट ही देता हूँ। मोटू पतलू, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं जाने दो मुझे, एक बार छोड़ूंगा नहीं। नारियल के पेड़ पर भी नारियल गिरता है। जी हाँ जी हाँ, हम उस भैंस को लेकर आपके घर आएंगे और आपके सामने शुद्ध असली ताजा दूध निकाल के आपको देंगे। थैंक यू थैंक यू। मोटू जल्दी से एड्रेस नोट करो, भैंस को लेकर इनके घर जाना है। जाओ वहाँ जाओ और दूध देकर आओ। ओके। शुद्ध देसी असली बिना मिलावटी दूध। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसमें मिलावट नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है। ये देखो, ये लो। भागो भागो यहाँ से, भागो, लूटने की भी हद हो गई। भैंस रानी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या? भैंस बोली, भैंस बोली। तुम जैसे कहोगे वैसा ही होगा क्या? भैंस रानी, रानी, रानी। भैंस ने मारा, भैंस ने बॉक्सिंग की। ये कैसे हो सकता है? अरे ये तो मारने के लिए पीछे ही पड़ गई है, भागो। क्या हो गया, भाग क्यों रहे हो? पर भैंस तो कब की आ गई? क्या भागो, फिर मारेगी। अरे मोटू क्या कह रहे हो, भैंस कैसे बोल सकती है भला, और बॉक्सिंग बॉक्सिंग कैसे कर सकती है? तुम जरूर दिन में सपना देख रहे हो। अरे पतलू मैं सच बोल रहा हूँ, तुम खुद ही देख लो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो आओ देखते हैं। हाँ मोटू, ये तो दूध दे रही है, देखो। अरे ये कैसे हो सकता है, कैसे? इसने पानी दिया था, अब मैं इसके साथ नहीं जा सकता और मार नहीं खा सकता। अरे मोटू जाओ ना, मोटू जाओ ना। देखो फिर से एड्रेस आया है, जल्दी जाओ, मैं चारा बना रहा हूँ ना। देखो दूध दे रही है, कुछ गड़बड़ मत करना, तुम्हें वहम हुआ होगा, वहम। जरा कुछ चाय नाश्ता तो करा दो, फिर जाता हूँ, भूख लगी है। एक भाई मोटू, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही तो समझा देती हूँ। फिर से बोली भैंस, फिर से बोली। हाँ।
बचाओ, देखो ये भैंस मुझे मार रही है। डांस भी करती है। कहाँ डांस कर रही थी? अरे मोटू तुम्हें वहम हो गया था। पतलू रे, पतलू, भैंस ने मुझे बहुत मारा। जॉन के घर के पास उसके साथ डांस भी किया। जॉन के घर पे डांस? फिर कुछ तो गड़बड़ है मोटू, ये भैंस है या फिर कुछ और? देखना पड़ेगा। मोटू भैंस किधर है, दिखा मुझे। जरूर जॉन ने कोई ना कोई चक्कर चलाया होगा। डॉक्टर झटका को बुलाना पड़ेगा। अरे भैया जल्दी आ जाओ। अरे यार, मोटू मेरे पैर मेरे यार, ये भैंस डांस करती है, बॉक्सिंग भी करती है, लंबे लंबे डायलॉग भी बोलती है। इसका मतलब ये है ये असली भैंस नहीं हो सकती, ये रोबोटिक नकली भैंस है यारी। तो अब से हम इस भैंस पर नजर रखेंगे। You are under arrest. ये चिंगम सर कहाँ से आ गए? यही मौका है, चलो। चिंगम सर, मैंने क्या किया? मैंने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला। अच्छा 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 अच्छा, सचमुच नहीं की? सचमुच चिंगम सर, नहीं की नहीं की नहीं की। मोटू को देखकर मैंने भी भैंस पाल लिया है, दूध का धंधा करना चाहता हूँ, शरीफ आदमी बनना चाहता हूँ। गुड लक, ऑल द बेस्ट, धंधा करो। अब मोटू उस भैंस की लात खाएगा। चलो चल कर देखते हैं। उसने तो पूरा दूध दे दिया, ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ। चलो मोटू को बाद में देखना, पहले म्यूजिक बजाओ, डांस करूंगी। चलो भागो। ये वाली भैंस भी डांस करने लगे। म्यूजिक बजाओ। जॉन भैंस के साथ डांस कर रहा है। वाह रे वाह, कितना अच्छा नजारा है, क्या डांस चल रहा है। अब थोड़ी कुंग फू कराटे हो जाए। नहीं नहीं, कुंग फू कराटे नहीं। अरे ये तुम्हारी भैंस है, लेकिन ये मेरे साथ वॉलीबॉल कैसे खेल रही है? ये तो मेरी भैंस को खेलना चाहिए, वो रोबोटिक भैंस है। अरे जॉन, ये तुम्हारी ही भैंस है, रोबोटिक भैंस। अपनी वाली भैंस तो हमने पहले ही बदल दी थी। चिंगम सर, ये फरेब है, धोखा है, सरेआम चीटी है। इनको चीटिंग के जुर्म में अरेस्ट करो, सजा दिलवाओ, ये वॉलीबॉल गेम बंद करो। मैं धोखा खा गया रे। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।